हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खेती के साथ प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन रोगों में से एक है थनेला रोग। यह रोग अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। तो इस बीमारी की पहचान के लक्षण क्या है और पशुपालक अपने पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बासूर के डॉक्टर अरविंद कुमार से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे जो दुधारू पशु हैं, जो ज़्यादा दूध उत्पादन देते हैं, उनमें सामान्यतः ये देखा गया है कि थनेला की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ये बीमारी ज़्यादा दुधारू पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और अगर ये बीमारी पशुओं में आती है तो उससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस ब्यांत में ये समस्या आती है उस ब्यांत का दूध मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर अच्छी तरह से इलाज ना करवाया गया तो हर ब्यांत में ये समस्या बार बार आती है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनीला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। थनीला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग के पहचान के लक्षण के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि ये जो बीमारी है ये गंदगी के माध्यम से फैलती है, और जिस जगह में हम पशुओं को जिस बाड़े में रखते हैं वहाँ पर पशु पेशाब करता है, गोबर करता है, उसकी वजह से बहुत सारी गंदगी उसके बाहर निकलती है। और जिस समय पशुओं का दूध निकाला जाता है, दूध निकालने के 25 से 30 मिनट तक उसका जो थन होता है उसका छिद्र खुला रहता है, उस दौरान अगर पशु जमीन पर बैठता है या हवा के माध्यम से कोई भी जीवाणु उसके थन तक पहुँचता है और उसके अंदर आता है, उसके बाद में थनेला की समस्या की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआती दौर में हम पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर पशु का जब हम दूध निकालते हैं उस समय अगर दूध उत्पादन लास्ट का जो होता है, लास्ट टाइम का जो हम दूध निकालते हैं, उसमें अगर उसके रंग में कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है, उसमें अगर खून के चीचड़े नज़र आ रहे हैं या पस की कोशिकाएं दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पशु में इस समस्या की शुरुआत हो चुकी है। ये पहली स्टेज होती है। इसके बाद में पशु के थनों में सूजन आती है, थन फटने लगते हैं, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया, लगातार ऐसे ही परिस्थितियां बनी रहीं तो उसके थन ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और उससे दूध निकलना बंद हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये बीमारी सभी थनों में फैलने लगती है और पशु पूरी तरह से बेकार हो जाता है, फिर वो दूध उत्पादन के लायक नहीं रहता है। थनेला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय। पशुपालक भाई यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाएं तो पशुओं में थनेला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनेला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़ी की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशुओं को साफ सुथरे एवं सूखे तथा हवादार स्थान पर बांधें। पशु के थनों की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। पशु का दूध निकालने से पूर्व ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस या चुटकी विधि से दोहन करना चाहिए। थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। थनेला में जो किस तरह से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ हमें ध्यान देने योग्य होती है कि जहाँ पर हम पशुओं का बाड़ा है उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, और उसके अलावा जब हम पशुओं का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के 25 से 30 मिनट के बाद उसके थनों के छेद खुले रहते हैं, तो उसकी वजह से पशु ज़मीन पर ना बैठे, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पशु का दूध निकालने का जो समय है उससे 2 घंटे पहले हम उसे चारा वगैरह ना खिलाएँ, और दूध निकालते ही उसको चारा डालते हैं तो वो 25 से 30 मिनट तक चारा खाने में व्यस्त रहता है, तो इसकी वजह से कोई भी गंदगी अंदर जाने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो एक लाल दवाई आती है जिसको किसी भी कटोरी में घोल बना करके दूध निकालने के बाद पशु के चारों थनों में लगा देते हैं, तो उसकी वजह से वो दवाई वहाँ रहती है तो कोई भी गंदगी उसके अंदर नहीं जा पाती है। तो इस तरह से ये काम करके हम अपने पशुओं को इस थनेला बीमारी से बचा सकते हैं। थनेला रोग का उपचार। इस रोग से ग्रसित पशु का उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में करने पर ही सफल होता है। रोगी पशु का समय पर उपचार न होने पर थन खराब हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए दुधारू पशु के दूध की जांच समय पर करवा लेनी चाहिए। थनेला रोग से ग्रसित पशु का उपचार योग्य पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। इसके लिए पशु का थन अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ कर छोड़ दें। कुछ समय बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु के थनों में जीवाणु नाशक औषधियां चढ़वाते हैं तथा मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दवा दी जाती है।
पशु के थनों में ट्यूब चढ़ाकर उपचार किया जाता है। ध्यान रखें कि अंतिम ट्यूब चढ़ाने के 48 घंटे बाद तक दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जब पशु का थन पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तभी उसका दूध प्रयोग में लेना चाहिए। यदि किसी पशु में थनेला बीमारी की समस्या दिखाई पड़ती है तो उस समय हम सबसे पहले इसका एक देसी इलाज कर सकते हैं। एक पशु के लिए हम 10 से 12 नींबू लेते हैं और लगभग 400 से 500 ग्राम चीनी लेते हैं। उसी चीनी को घोल बना करके 10 से 12 नींबू उसमें निचोड़ देते हैं और पशु को 5 से 7 दिनों तक अगर हम लगातार पिला दें तो इससे पशुओं में इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है और काफ़ी राहत मिलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों